नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कार यूनिवर्सिटी के एक नए वीडियो में। आज हम एक खास गाड़ी और जो कि खासकर गांव के लोगों के लिए बनी है उस गाड़ी के बारे में रिव्यू करने वाले हैं। वो है फोर्स की तरफ से आने वाली ट्रैक्स क्रूजर। ये 10 सीटर मॉडल है विदाउट एसी वाला। इसमें एसी और 13 सीटर ऑप्शन भी मिलता है। आगे की तरफ से हमें एसी फोर्स की तरफ से आने वाली ये ग्रिल मिलती है ब्लैक कलर की फिनिशिंग के साथ, बीच में फोर्स का ये लोगो और साइड में नए फेस लिफ्ट के साथ आने वाली ये हेडलाइट मिलती है जो कि हैलोजन हेडलैम्प है हेलो लाइट के साथ। यहाँ पे इंडिकेटर भी मिलता है। नीचे फॉग लैंप्स एज एक्सेसरीज आप ले सकते हो लेकिन इसमें मिलता नहीं। यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं वाइट कलर में। नंबर प्लेट के लिए यहाँ पे प्लेसिंग दी गई है। साइड प्रोफाइल में देखते तो हमें यहाँ पे मिलता है रेडियल टायर जो कि 15 इंच का MRF का टायर मिलता है। और यहाँ पे इस प्रकार की क्लाइडिंग मिलती है और इसका 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। और ये फुटस्टेप भी मिलता है। काफ़ी ऊंची है गाड़ी इसलिए ये फुटस्टेप बहुत काम आता है। बहुत ही लंबी गाड़ी होने के कारण इसका कुछ ऐसा रोड प्रेजेंस आता है। रियर प्रोफाइल में देखेंगे तो रियर प्रोफाइल में हमें स्पेयर व्हील मिलता है यहाँ पे। और नीचे की तरफ हमें 4 पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं बम्पर पे रिफ्लेक्टर्स के साथ। यहाँ पे फुटस्टेप दिया गया है क्योंकि पीछे की तरफ से और भी हाइट इसकी बढ़ जाती है। ब्लैक कलर के इसके डोर हैंडल्स हैं। यहाँ पे फोर्स का बैजिंग और कुछ इस प्रकार का इसका ग्लास एरिया है रियर का। इसकी टेल लैंप जो है वो नॉर्मली है हैलोजन बल्ब के साथ। यहाँ पे इंडिकेटर, यहाँ पे रिवर्स लाइट और ये ब्रेक लाइट्स के साथ है। लेफ्ट साइड में इसका मिलता है फ्यूल फिलिंग के लिए इसका फ्यूल कैप जो कि चाबी से ओपन हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। और ये सिर्फ डीजल इंजन के साथ आती है। 2600 cc का इसका डीजल इंजन आता है। इसमें हमें 63.5 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलता है। ज़्यादा ये टैक्सी के लिए यूज़ करते हैं लोग, गांव के एरिया में ज़्यादा चलती है ये गाड़ी। तो यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही बड़ा इसका रियर का सिटिंग एरिया है। यहाँ पे ये 9 सीटर है इसलिए यहाँ पे ये छोटी सीट से, बाकी यहाँ पे लगेज रखने के लिए कुछ जगह है। लेकिन जो 13 सीटर वर्जन आता है उसमें ये सीट यहाँ तक आ जाती है, लगभग यहाँ तक। तो इसमें 13 लोग आराम से बैठ सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इसकी सीटिंग कैपेसिटी हो जाती है। और ऊपर की तरफ हमें पकड़ने के लिए हैंडल मिलता है। यहाँ पे साइड में भी मिलता है, दोनों साइड मिलता है। गांव के लोग क्या करते हैं लेकिन लगभग यही मॉडल ले लेते हैं 9 सीटर वाला और यहाँ पे सीट एज ए एक्सेसरीज लगा के ले लेते हैं। यहाँ पे डोर ओपन करने के लिए जगह, ब्लैक कलर का ये डोर खोलने का, जिस प्रकार का इसका रियर डोर आता है। और यहाँ पे लॉक अनलॉक के लिए ये सिस्टम मिलता है। बोलेरो की तरह ही से यहाँ पे ऐसे जॉइंट्स मिलते हैं। बहुत ही सिंपल और नॉर्मल रखा गया है इसका इंटीरियर। आगे देखेंगे हम इसका इंटीरियर भी। बहुत ही अच्छी बिल्ड क्वालिटी पहले की तरफ से, अभी इसकी बिल्ड क्वालिटी भी अपडेट की गई है और अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ आती है फोर्स क्रूजर। यहाँ पे हमें 80 की इसकी टॉप स्पीड, मतलब ये ट्यून है, 80 तक ही जाएगी इसकी स्पीड। फ्रंट साइड में यहाँ पे हमें इसके वाइपर्स मिलते हैं, 2 वाइपर्स के साथ आती है। और यहाँ पे वॉशर से यहाँ से पानी निकलता है ग्लास वॉश करने के लिए। साइड में हमें यहाँ पे इंडिकेटर मिलता है और इसका जो ओवरव्यू है वो बहुत ही नॉर्मल, हाथ से इसे आप इसे एडजस्ट कर सकते हो।
और ड्राइवर साइड डोर देखते हैं तो यहाँ पे हमें ड्यूअल टोन फिनिशिंग मिलती है जो कि है बेज कलर और ब्लैक कलर में। बहुत ही सिंपल, इसमें यहाँ पे ऐसे विंडो रोल डाउन करने के लिए ये पुराने ज़माने का ये नॉब मिलता है। इसमें पावर विंडो का भी ऑप्शन आता है दूसरे वाले मॉडल में, वो जब अवेलेबल होगा तो उसका भी वीडियो हम आपके लिए लेके आएंगे। तो ये यहाँ पे हमें ब्लैक कलर का इसका डोर हैंडल मिलता है और थोड़ा बहुत स्पेस यहाँ पे भी मिल जाता है। बॉटल होल्डर नहीं है ये, यहाँ पे बॉटल नहीं आ जाएगी लेकिन कागजात जो भी होंगे छोटे बहुत वो आ जाएंगे। तो इंटीरियर में देखेंगे तो यहाँ पे हमें सीट्स मिलती है जो सिर्फ रिक्लाइनर है, हाइट एडजस्ट नहीं होगी ड्राइवर साइड। ड्यूअल टोन कलर में है इसकी सीट्स, ब्लैक और बेज कलर के साथ, और आगे के दो हेडरेस्ट एडजस्टेबल है, पीछे के भी दो हेडरेस्ट एडजस्टेबल मिलते हैं। चलिए इसमें बैठ के देखते हैं। बैठने के लिए हमें, ये गाड़ी तो इतनी ऊंची है इसलिए हमें यहाँ पे पहले तो एक स्टेप लगा के यहाँ पकड़ के अंदर बैठना पड़ता है। तो अंदर बैठने के बाद जो इसका अंदर वाला जो लुक है, वाह भाई वाह, क्या इसका लुक है। जो रगेड लुक जो आता है ना इसको बैठने के बाद, वो सिर्फ बोलेरो में आता है और किसी गाड़ी में नहीं आता। बहुत ही रगेड और बहुत ही रॉ इसका जो लुक है, आप देख सकते हो बहुत आगे तक इसका बोनट, पूरा का पूरा बोनट यहाँ पे हमें विजिबल हो रहा है। बहुत ही बड़ा इसका ग्लास एरिया मिलता है। स्टीयरिंग व्हील भी बहुत नॉर्मल, कुछ नहीं मिलता स्टीयरिंग व्हील पे, जस्ट हॉर्न, ड्यूअल टोन में हॉर्न मिलता है और पूरा ब्लैक इसका स्टीयरिंग व्हील मिलता है। कोई लेदर आप नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स नहीं। इसमें तो क्या एयरबैग्स भी नहीं मिलता, एयरबैग भी नहीं मिलता इस मॉडल में। तो आप देख सकते हो सिंपल सादा पुराने ओल्ड लुक में आने वाला ये इसका स्टीयरिंग व्हील है। तो इसका MID हम देखते हैं, इसमें चाबी इंसर्ट करके देखते हैं। तो चाबी लगाने के बाद, चाबी लगाने के लिए पहले तो यहाँ पे हमें नीचे ये दिए गए हैं, यहाँ पे हम इसकी चाबी लगाएंगे। तो चाबी लगाने के बाद जो देख सकते हो वार्निंग लाइट्स बीच में आती है, बीच में हमें किलोमीटर्स, फ्यूल गेज, कूलेंट लेवल, टाइम, ऑडोमीटर, ये सब यहाँ पे मिलता है। कुछ इस प्रकार का इसका मिलता है, 180 की टॉप स्पीड शो करता है लेकिन 80 तक ही ये लिमिटर है इसमें लगा हुआ, तो 80 तक ही ये जाएगी, तो ऐसे बचती रहेगी ये। इसे बंद करते हैं और यहाँ पे RPM मीटर और स्पीडोमीटर, सिंपल कुछ नहीं इसमें खास ऐसा कुछ नहीं मिलता। और यहाँ पे इसके वाइपर्स के कंट्रोल मिल जाते हैं और यहाँ पे इसके हेडलाइट के कंट्रोल इंडिकेटर के साथ, और यहाँ पे इसका हेडलाइट लेवलर भी मिल जाता है। इस वाले मॉडल में SAB भी नहीं मिलता, इसके ऊपर जो वाला मॉडल है उसमें हमें AC मिल जाता है, म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है, पावर विंडोज मिल जाते हैं और ड्यूअल AC मिल जाता है, यहाँ पे भी AC आ जाता है बीच में। तो हमें साइड वाली सीट की बात करें तो यहाँ पे दो लोगों के लिए सीटिंग है और हेडरेस्ट एक ही दिया गया है लेकिन दो लोग यहाँ पे बैठ जाएंगे, देख सकते हो बहुत ही बड़ी ऐसी सीट है। और बीच में हमें, जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे हैंड ब्रेक मिलता है, यहाँ पे हैंड ब्रेक और यहाँ पे इसका 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन गियर बॉक्स मिलता है। और ये है यहाँ पे इसके हजार्ड लाइट्स के बटन, यहाँ पे बीच में कुछ नहीं मिलता जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे ये बेज कलर और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन। और यहाँ पे फोर्स का बैजिंग मिलता है और नीचे की तरफ हमें ग्लो बॉक्स मिलता है क्योंकि यहाँ पे भी स्पेस है थोड़ा बहुत और यहाँ पे भी डीप स्टोरेज है, ज़्यादा स्पेस नहीं है इसमें, और ऊपर की तरफ भी थोड़ा बहुत स्पेस मिल जाता है। और ये मैनुअली एडजस्टेबल इसका IRVM मिलता है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे टिकट होल्डर और बड़े साइज का इसका डोर, ये सनवाइजर है, यहाँ पे कोई मिरर नहीं मिलता जस्ट। और ऊपर देखते हैं तो ऊपर ये येलो लाइट मिलती है, कुछ खास नहीं, नॉर्मली येलो लाइट मिलती है लेकिन जो इसका रॉ लुक है और सिटिंग कैपेसिटी है वो और किसी भी गाड़ी में नहीं मिलेगी। चलिए हम रियर में जाके देखते हैं। यहाँ पे हैंडरेस नहीं, नॉर्मली रहता है इसका कुछ नहीं, लेकिन यहाँ पे 12 वोल्ट का जो सॉकेट है चार्जिंग करने के लिए वो मिलता है। चलिए फिर पीछे जाके देखते हैं रियर सीटिंग।
रियर डोर में भी ऐसे हमें वैसे ही फिनिशिंग मिलती है ड्यूअल टोन कलर में, बेज और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन। और ये जो डोर का जो है लॉक और अनलॉक करने का जो स्विच है वो ऐसा रहता है, नॉर्मली डोर है ऐसे वाइड ओपन हो जाता है, और ये जो पट्टी है इसी से ये अटैच रहता है। जो सीटिंग देख सकते हो बहुत ही बड़ी सीट है, चार लोग यहाँ पे आराम से बैठ पाएंगे, इतना स्पेस है। पीछे पे भी चढ़ने के लिए हमें सिंपली फुट स्टेप पे पैर रख के अंदर जाना पड़ता है। और रियर में भी हम बैठ चुके हैं तो रियर स्पेस देखते हैं। तो रियर में हमें कुछ इस प्रकार का स्पेस मिलता है नॉर्मली, और हैंड्रेस वगैरह कुछ नहीं मिलता, जस्ट दो हेडरेस्ट मिलते हैं, वही बहुत बड़ी बात है, दो हेडरेस्ट मिलते हैं वही। और जस्ट यहाँ पे दो हैंडल्स, इतना रॉ है इसका लुक कि यहाँ पे आप नट बोल्ट्स भी आराम से देख सकते हो। और बहुत बड़ा विंडो एरिया मिलता है, और ये विंडो भी हमें मैनुअली ओपन करनी पड़ती है इस मॉडल में। और ये इसकी राइड क्वालिटी भी ऐसी रहती है कि आपको ये पकड़ के रखना पड़ता है गड्ढों में, बड़े वाले खड्डों में, जो खराब रास्ते होती है वहीं पे ये ज़्यादा चलती है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखा गया है कि इसमें सीट पे भी ये वो हैंडल्स दिए गए, यहाँ पे भी मिलते हैं, यहाँ पे भी सीट में भी मिलते हैं, और इस वाली सीट में तो दो मिलते हैं, और एक बॉटल रखने के लिए इस सीट में भी जगह दी गई है, तीन बॉटल्स के लिए जगह है। और ये सीट भी थोड़ी सी रिक्लाइन है पीछे की तरफ, इसकी वजह से हमें ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। मेरी हाइट एवरेज है 5.8 इंच, उसके हिसाब से भी ये थोड़ा कम ही है, थोड़े लंबे लोगों के लिए यहाँ पे तकलीफ होने वाली। और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे स्पेस बहुत है ऊपर की तरफ, हाइट बहुत ज़्यादा है इस गाड़ी की, तो यहाँ पे हमें हेडरूम का कोई दिक्कत नहीं होने वाली। जैसे कि आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा इसका सीटिंग एरिया और सीटिंग स्पेस है। चलिए अब हम थर्ड रो में जाके देखते हैं। तो सिंपली यहाँ पे भी जाने के लिए हमें फुटरेस मिलता है, वो फुटरेस पे चढ़ के हम पीछे की तरफ जा सकते हैं। तो अभी हम यहाँ देख सकते हो यहाँ पे दो बॉटल्स के लिए जगह है, और हैंडल्स भी मिलते हैं सीट पे ही। ये जो थर्ड रो एरिया है यहाँ पे हेडरेस्ट वगैरह कुछ नहीं मिलता, लेकिन जो हेडरूम है वो बहुत कम मिलता है, मेरे से ज़्यादा हाइट वाले लोगों के लिए यहाँ पे जगह नहीं होने वाली। और ये सीट भी आप फोल्ड कर सकते हो, इससे बहुत ही बड़ा इसका कार्गो एरिया हो जाता है। और जो ये वाली जो विंडो है वो ओपन हो जाएगी दोनों साइड से, इस प्रकार से बहुत बड़ा एरिया ओपन हो जाएगा। यहाँ पे दो लोग और इस सीट पे दो लोग, मतलब चार लोग थर्ड रो में बैठ सकते हैं। इसमें हमें मिलता है 2700 सीसी का डीजल इंजन जो प्रोड्यूस करता है 90 BHP और 250 Nm का टॉर्क, 17 KMPL का माइलेज क्लेम करती है कंपनी, लेकिन रियलिटी में ये 15 का एवरेज देगी। 63.5 लीटर का इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलता है, उसके साथ ये 2600 सीसी का डीजल इंजन जो कि बहुत ही अच्छे से यहाँ पे प्लेस किया गया है, और ऊपर बोनट के अंदर से भी बहुत अच्छे से पैडिंग की गई है। यहाँ पे फाइबर में हमें बम्पर मिलता है, और इसमें 63 लीटर्स का फ्यूल टैंक आता है। इसमें ल्यू स्प्रिंग सस्पेंशन आता है, जो बोलेरो में आता है वही सस्पेंशन इसमें मिलता है। और आगे की तरफ हमें नॉर्मल सस्पेंशन मिलता है, 15 इंच के टायर के साथ आता है ये। टायर की प्रोफाइल बहुत बड़ी है, इसकी प्रोफाइल जो है वो है 215/75 R15 15 इंच का ये टायर है। तो अब बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की। तो इसका प्राइस है इस वाले मॉडल का जो बेस मॉडल है, इसमें एसी नहीं आता और पावर विंडो के कंट्रोल्स नहीं आते, और ये 9 सीटर भी है, तो इसका प्राइस है 10.5 लाख रुपये एक शोरूम, और एसी वाले मॉडल के 14.5 लाख रुपये एक शोरूम। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, सब्सक्राइब करना मत भूलना।